हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नदीम भैया, खैरियत? और ये 40 रुपए का बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या हो रहा? हो रहा है? तू किधर छुप के बैठा है आजकल? मैं छुप करके बैठा हुआ हूँ। हाँ, क्या मैंने सुना महितपुर में आके छुप के आया तू आजकल? अच्छा, तेरे अब्दुल गफ्फार सलफी ने बताया नहीं उसकी कैसी बैंड बजी थी? क्या बताया तू तो वहां छुप के रह रहा था, लोगों को नाम नहीं कौन? बता रहे, अपनी चल आइडी आज बता रहा फिर था कब आ तू। रहा? कब आ रहा फिर? तू छुपके क्यों रह महदपुर रहा में था? हूँ, कब आ रहा बोल? नागपुर पहुंच गया, भगा दिया वहां से महदपुर में हूँ मैं, कब आ रहा बोल? माधपुर में, हाँ महदपुर में। महितपुर में ना, तो वहां छुपके क्यों रह रहा था अबे तू? महितपुर नहीं, महदपुर तलफ्फुज बोलते गधे, अबे महितपुर नाम है उसका। तेरे कहने से हो जाएगा क्या? अबे वहां गवर्नमेंट ने लिख के रखी ना, तू चौबट गवर्नमेंट है क्या? चुगल मतलब गवर्नमेंट के यूपी एतबार से तुम चलते हो, है ना? गवर्नमेंट में लिखा रहेगा क्या तेरा नाम? पी अब्दुल्ला कलाई कलीम के वहां लिखा एतबार रहा है, से नहीं, जो आधार कार्ड पे तेरा नाम लिखा वही चलेगा या तेरा अब्बा का नाम चलेगा? जो दुरुस्त तलफ्फुज होगा वही चलेगा। हाँ, जो गवर्नमेंट ने लिखी है वो चलेगा, नहीं वही बिल्कुल नहीं, स्पेलिंग जो चलेगी। दुरुस्त हाँ तलफ्फुज तो होगा कुछ वो चलेगा। चला के बता। चल आगे वैसे तू छुप क्यों रह रहा था? आगे बोल। तू महितपुर में अपना नाम क्यों छुपा रहा था, आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था? सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तू आ रहा महतपुर बोल। अबे तेरे को तो चैलेंज है, 1 दर्जन लेके बैठ जा, तू मनाजे तलब पे मेरे चल से फिर बैठ कर कब आ ले। रहा बोल, कब आ रहा बोल? अरे तो बोल पहले, तेरे 1 दर्जन तैयार है मेरे से? मैं अकेला काफी हूँ तेरी अबे पूरी तेरे नस्ल क्या, के तेरे को लिए। तो सालों से तो कूट रहे हैं हम, खिलौना गाली है तू मत दे, हमारा। गाली मत दे, अबे आराम से साला बोल। फिर ये, तुम्हारे शेख जो किफायतुल्ला सनाबिली नासिबी मशकूकुल अबे इस्लाम वो तो खाली शेर, हुए तेरे इमाम अबू हनीफा है क्या? रही मोहल्ला साथ में लगा। अबे इमाम अबू इमाम हनीफा है अबू क्या? दाऊद रहमतुल्ला अलैह फरमाते रही मोहल्ला हाँ, काना उन्होंने इमाम इमाम अल्लाह इब्ने शहबा ने उनके खिलाफ बाप बने थे, अपना थे इब्ने अबू शैबा नहीं हनीफा। रहे, भंगी इब्ने अभी शैबा, भंगी अबे भंगी के, पहले बोलना भंगी थी। की औलाद, मुकम्मल नाम मुसन्नफ बता दो, इब्ने अभी मुकम्मल शैबा, नाम बता, मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा। अबे भंगी की मुसन्निफ का औलाद, पूरा नाम बता, मुसन्निफ नहीं, मुसन्निफ का पूरा नाम। मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा। वो तो किताब हुई, अबे तो शोहर है। मुसन्नफ है, मैं मुसन्निफ मुसन्निफ नहीं पूछ है रहा। वो, मुसन्नफ इब्ने अभी अरे शैबा। भंगी कहीं का, अबे वो तो भंगी की मुसन्निफ औलाद, की मुसन्नफ हुई, अरे भंगी की औलाद, तेरे मुसन्निफ ने इमाम को तो तसनीफ उन्होंने की क्या तो लिखा, रद्दे मुसन्नफ अबू हुई। हनीफा चैप्टर मुसन्नफ इब्ने अभी रद्दे अबू शैबा में। हनीफा अगर तू दिखा देगा तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा। हाँ रद्दे अबू हनीफा, काम कर, 100 रुपए के स्टाम्प एक पेपर करोड़ पे एक चैलेंज करोड़ लिख कर दूंगा रखी, 100 रुपए तो के, अरबी 500 रुपए के स्टाम्प अरबी पेपर इबारत पे। से अरे ना बलद है अरबी कवाइद। तेरे बाप को भी दिखा देंगे, तेरे खानदान को भी तो चल दिखा चल दिखा देंगे, दिखा अभी तू दिखा, 500 रुपए मैं के ऑनलाइन स्टाम्प भेज, पर, मैं ऑनलाइन तू भेज, अगर भेज भेज तू अपने भेज अब्बा की भेज। औलाद है तो तू 500 रुपए के स्टाम्प पे तो चैलेंज लिख रिकॉर्ड है कर कि तू दे। अपने अब्बा की नहीं है। तो 500 रुपए के स्टाम्प पे चैलेंज लिख कर दे, तेरे को तो तेरे घर से निकाल लूंगा अच्छा एक चल करोड़। ठीक 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 अबे आजकल तू ऐसा कूफियों की तरह वलुद्दुज़्ज़िना वाली अच्छा बातें सुन ना करता ना, नदीम, नदीम मैं क्या, क्या वो हफ्ता का मजा सब कुछ चगा लिया सिंगपुर अरे में? यार आए ये तेरे मैं क्या आजू बाजू बोल रहा बैठे हूँ, वाले उनको भी हफ्ता दे दिया क्या? क्यों अपनी बहन का नाम क्यों, या बहन को धंधे पे इनकी लगा दिया क्या? इनकी भी किसी से सेट कर लिया, इनकी भी किसी सेट कर लिया बहन को क्या? धंधे पे लगा दिया, निकाय तो तेरे मिसयार में। मदरसे में अपने दोस्त की बहन को सेट कर, इसकी भी सेट कर लिया क्या मैतपुर में? और तेरी बहन है यहाँ माथुर में, अरे तू तेरी नफा बहन का राम तो है ही नहीं, तूने माथुर मदरसे में अपने दोस्त की बहन को नहीं में। छोड़ा, तू मैतपुर वालों को भी साथ यही कर रहा होगा। अच्छा ये तेरी बहन ने बताया तुझे? अरे इसको दावत वावत में मत बुलाया करो तुम्हारे घरों पे, नहीं तो ये कुछ अच्छा भी सेटिंग कर लेगा, ये बहुत हराम घोर है। अच्छा अच्छा सब तेरी बहन बता रही है मतलब? ना, सुन रहे वो तो गद्दार निकली, वो सुन रहे नहीं सब, गद्दार निकली वो। मौजू पर आना नदीम, हफ्ता गद्दार निकली, नदीम हफ्ता नदीम निकली, नदीम मौजू पर आना गद्दार निकली, हफ्ता गद्दार निकली, तेरा जर्जीत खापी के तेरी छोड़ दिया, बहन के साथ जिना करने अपनी के हंसी जुर्म बहन में को, अपनी हंसी बहन को खापी के जेल छोड़ में, दिया, अभी तक जेल में आप अभी तक। सकते हैं? तू ला करके एक सबूत दे दे मेरे मेरे खिलाफ में, तो एक सबूत। अबे जर्जीस तो अबे जेल तू में तो है, है ही मुकल्लिद होता ही झूठा। अरे अबे मुकल्लिद झूठे की जर्जीस जेल औलाद में होता है, है, मुकल्लिद झूठा होता है। जर्जीस जेल में है क्यों? अबे हफ्ता की बात एफ कर ले आई ना, आर हफ्ता का क्या हुआ, खापी खापी के छोड़ दिया, और है अपनी और हंसी है बहन को खापी के छोड़ दिया, सबूत सबूत सबूत। अबे तूने तो वीडियो वायरल किया था, सबूत अच्छा तो मैं बता। बात करूं, मैं चल ऑडियो इसका शेयर मुबाइला कर करूंगा लेते अपन, भंगी चल इस पे तेरे पूरे भंगी। खानदान को लिया, पूरे महितपुर को लिया, मैं अपनी फैमिली को ले आता हूँ, तो जो झूठ अल्लाह ताला उन सबको उठा चल आ जा, तेरी माने चल आ जा, खिलाई। आ जा आ जा, चल मोबाइल तैयार कर, चल आ जा आ जा, कब आ रहा बोल, बोल कब आ बोल रहा, दावा बोल मोबाइल पर, कब आ रहा मोबाइल मुबाइला पे सामने दावा बोल। आकर के होता? हाँ तो बोलना दावा, तो आज सामने आ, कब आ तो रहा बोल, दावा तो बोल, क्या क्या दावा बोलूं?
क्या नदीम खान के सामने से भी बोलती बंद हो जाती है? इल्जाम तूने लगाया तो दावा तेरा होगा ना। नदीम के सामने आवाज बंद हो जाती, बोलती बंद हो जाती है ना। क्या 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 मेरी आवाज कहाँ बंद हो रही है? काले कौवे काए काए का करना शुरू कर देते हैं। तेरे से तो ज्यादा गोरा हूँ, तेरे से ज्यादा गोरा हूँ, शेर बिल्ली की तरह तो दिखता है। छोटा बाबूराव हो रहा है, सूरज के ऊपर तो चिटकार पड़ी हुई है। काले कौवे नदीम के सामने आके क्या बोल रहा है? तूने कहा रद्दे अबू हनीफा, तू ये बाप कब दिखाएगा मुझे बोल? अबे वो तो अभी दिखा देंगे, हम इसे ऑडियो के साथ ही स्क्रीनशॉट लगा देंगे। चल हाँ दिखा दिखा। अच्छा तू झूठा है, झूठे की मुझे तो झूठा पे आएगी ना, वो तो तेरे महितपुर वालों के साथ धोया था मैंने कि वो महितपुर ही नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने लिखा था तू आ जा मेरे पास, क्या तेरे पास है? कब आएगा मुसन्नफ अपने भी शहबा का नुस्खा है? नस्ल को खरीद लूंगा तेरी पूरी नस्ल को खरीद लूंगा। आज मैं अरे चंदा करते करते दिन गुजारा, बेटे को चंदे का आइसक्रीम खिलाना दुनिया ने जान दिया। तो पूरा महितपुर भाग रहा है ना, पूरे अहले हदीस तेरे खिलाफ में ये बोलते हैं कि नदीम अपने बेटे यजीद को चंदे के पैसे का आइसक्रीम खिलाता है। वो जहले हदीस है ही नहीं, वो तेरे तक मुकल्लद होंगे। झूठे कहेंगे, तेरे कहने से हो जाएगा वो, तेरे कहने से मुसलमान पर इल्जाम लगाना खाने काबा से ज्यादा उसकी इज्जत है। कहाँ कहाँ लिखा हुआ ये? और कहाँ लिखा देखो, इसको कुछ मालूम नहीं, सब मैं सिखाता हूँ। पढ़ 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 हदीस, पढ़ हदीस, पढ़ हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है। तो पढ़ 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 पढ़ा नहीं तो क्या, तेरे को क्या पता है? पढ़ना अगर बताया अब्दुल्ला बिन उमर, एक मुसलमान की इज्जत खाने काबा से ज्यादा है। ये हदीस है, इसको हदीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं तू बता, क्या बोलते तर्जमानी? क्या बोलते तर्जमानी? तर्जमानी बोलते, हदीस नहीं बोलते तर्जमानी? तर्जमानी मेरे घर की तर्जमानी? नहीं नहीं, तेरे तर्जमानी कर रहा है। नहीं तर्जमानी, हदीस पढ़ता हूँ मैं, हदीस पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बात करूंगा अगर हदीस का हवाला दूंगा तो अरबी इबारत पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लाह के फजल से तू पढ़ेगा? बिल्कुल आजा हदीस पढ़ने में। चल कितनी हदीस पढ़ेगा? वो हदीस पढ़ दे जिसमें तुम्हारा मर्द खुद में टांगों पर बैठे और औरत बिछाए, तेरी माँ ने दूध पिलाई होगी महितपुर को चैलेंज, तू हदीस पढ़ दे सनद मतन के साथ के आदमी सलाम वाले तशहुद में अपने दोनों टांगों पर बैठे। कुरान कहता है, कुरान कहता है, सुन सुनिए सुना। अबे चल पलीस सुना, काहे काहे कौवे की औलाद। कुरान 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 सुन, ज़कर उकल उन्ता पढ़ दे, वो महितपुर वाले तेरे पीछे वक्त पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सुन लो महितपुर वालों, ये संगी को तुमने लिया है, इसको कुछ नहीं आता। सुन लो महितपुर वालों, इसकी माँ ने दूध पिलाई होगी, हदीस पढ़ दे कि दोनों टांगों पर सलाम में बैठ, सलाम वाले तशहुद में दोनों टांगों पर बैठो और औरत पांव फैलाए। जल्दी से हदीस पढ़। अल्लाह का कुरान पढ़ दे, तूने दावा किया था, जाहिल तू, वो जाहिल है जिसको तेरे अमल की हदीस नहीं मालूम। अबे तेरे 1400 साल में तेरी हनफियत को हदीस नहीं मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, कुरान तो मान रहा है, कुरान मान रहा है, तेरे इमाम उमर को मुनकिर है, तेरे इमाम मौनी पर तक चले, ये हदीस सनद मतन के साथ पढ़ दे, तेरे इमाम मौनी पर तक चले, ये हदीस सनद मतन के साथ पढ़ दे। अबे जिंगूर महितपुर वाले तेरे पीछे बर्बाद कर रहे हैं, तेरे जैसे जाहिल को लाके बिठा दिए जिसको उसके अमल की हदीस नहीं मालूम। अच्छा आपको अपने अमल की हदीस मालूम है? तू अच्छा चूतिया बना रहा है महितपुर वालों को, अच्छा बुल्लू बना के पैसे खा रहा है वहाँ पर। वो तो अहले हदीस चूतिया है, वो कूफी मुकल्लद को तो चूतिया बना रहा है। अरे चूतिया जिसको बनाया जाए वो अहले हदीस होगा, वो हनफी नहीं होता। वो हदीस पढ़, हदीस पढ़। चल हदीस, तूने बोला सनद मतन से अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पढ़ता हूँ, तेरी माँ ने दूध पिलाई हदीस पढ़ता हूँ। कुरान का मुनकिर है? ए कुरान का मुनकिर है, तू नहीं पढ़ा तो कुरान का मुनकिर है बोलना, कुरान का मुनकिर है। अगर तूने हदीस नहीं पढ़ा तो बात क्यों ला? बाप था। अरे महितपुर वालो शर्म करो, जाहिल को इसके अमल की हदीस नहीं मालूम, जाहिल को लाके बैठा दियो तुमने साले, वो जिसको उसके अमल की हदीस नहीं मालूम। अबे सनद मतन का आ गई, घुस गई तेरे पिछवाड़े में। कुरान की सनद चाहिए तुझे यहूदी? कुरान की सनद चाहिए तुझे? कुरान की सनद चाहिए? अबे भाग, जब तक महितपुर वाले बेवकूफ जिंदा है, महितपुर वाले बेवकूफ जब तक जिंदा है तेरे जैसे चापलूस खाते रहेंगे। कुरान की सनद चाहिए क्या वो पहले बोलो?
बात कर रहे थे 14 साल मदरसा 14 साल मदरसा पढ़ लेगा तो बात नहीं कर पाएगा नदीम से। अरे चंदा तेरी बहन का नाम होगा। कुरान का मुनकर तू बोल दे। चंदा तेरी बहन का नाम है। कुरान का मुनकर तू? अरे कुरान का मुनकर है। कुरान का मुनकर है। दावा किया था भी छूटा था अपना चाट लिया। नदीम भैया की अम्मा नदीम भैया के अब्बा की तरह नहीं है। मैं सुनन मेटन से हदीस पढ़ता हूँ। चल जल्दी पढ़ हदीस। चल हदीस पढ़। मैंने कुरान की आयत पढ़ी। तेरे अमल की हदीस पढ़। कुरान 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 की आयत। कुरान की आयत। तेरे को जाहिल कहने से एक नंबर का। तेरे कहने से। तेरे कहने से। आदमी सलाम अलैहि तशहुद में दोनों टांगों पे बैठेगा, औरत पांव फैलाएगी। तेरी अम्मा चार टांगों पे बैठेगी। पढ़ हदीस। तेरी अम्मा चार टांगों पे बैठेगी क्या? पढ़ हदीस पढ़। मैंने तो साबित किया कुरान से मर्द और औरत अलग अलग है। अलग अलग है बिल्कुल। कुरान का रहा है वलैस ज़कर उकल उनसा। कुरान का रहा है। कुरान अबू जहल की तरह शोर कर रहा है। तू तो वही है ना कुरान को अपनी अकल से समझाने वाला। कुरान सुन करके अबू जहल की तरह शोर कर रहा है। अपनी अकल से समझाने वाला गुमराह। चल चल तू बता दे। चल तू मुफस्सिर पेश कर दे। चल तू मुफस्सिर पेश कर दे। किसने बोला कि ये आयत इसके ताल्लुक से? बिल्कुल इसी ताल्लुक से। तू तर्जमा कर ले। तू तर्जमा कर ले। तर्जमा कर ले। अबे ऐसे लोगों को तर्जमा कर ले। नमी बोला है तर्जमा कर ले। छोड़ के किताब तू सलफ को मानता है? तू सलफ को मानता है? तू सलफ को मानता है? अबे हम नहीं सलफी हैं। तू कहाँ है? तू तो खाली है। ठीक ठीक तू सलफी है ना? तू कुरान की एक आयत ऐसी पेश कर दे जिसमें ये लिखा हुआ है कि तेरी अम्मा और तेरे अब्बा दोनों एक हैं। पेश कर दे। यानी मर्द और औरत एक है। पेश कर दे। अबे खलते मबद। जबकि कुरान में कहता है ज़कर मिस्लु हद्दिल उन्थयैन। दो फर्क मैंने तुझे दे दिया। और मर्द के लिए दो हिस्सा है और के लिए एक हिस्सा है। अब नदीम कहेगा, नदीम चिमनी चोर कहेगा कि तेरी अम्मा का एक ही है, उससे क्या तेरे अब्बा का तो का एक ही है। दोनों के अंदर फर्क करते कि तेरा अब्बा एक दोनों के अंदर फर्क है। दोनों के अंदर फर्क है। अम्मा दो सज्जे करती है कि तेरा दोनों दोनों के अंदर में फर्क है। दोनों के अंदर में फर्क दो सज्जे कराएगा अब्बा को एक सज्जे कराएगा। दोनों के अंदर फर्क है। फर्क है ना तो दो सज्जे क्यों करते? क्या चीज तेरा अम्मा अब्बा जिस जगह फर्क है उस जगह फर्क करते, जिस जगह फर्क नहीं उस जगह नहीं करते। तो यहाँ फर्क बता। किस जगह? यहाँ फर्क बता। जिस जगह फर्क होगा उस जगह ने हम बताएंगे। तो बताना नहीं बताएंगे। अरे तू जाहिल है। तू तो कह रहा है कि फर्क है ही नहीं। मैसूर वालों को अच्छा चूतिया बना रहा है। फिर उधर चला गया। अच्छा चूतिया बना रहा है तू? मौजू पर मौजू पर मौजू पर तेरी तो पोल खोल रही है। पोल खोल रहा है। पोल खोल रहा है। ठू है तेरे पास। ठू है जिसको अपने अमल की हदीस नहीं मालूम। ये तेरी अम्मा की तरफ से, ये तेरे अब्बा की तरफ से। तू टांगों पर बैठता है। दो एक ही अरबी पेश कर तूने जो चूतिया बनाया महितपुर वालों को कि मेरे को बहुत अरबी आती है। तेरे इमाम होने का आती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टांगों पर। दोनों टांगों पर हदीस पेश कर। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टांगों पर। मैं क्या बोला? हदीस पेश कर। मैं क्या बोला? मैं क्या बोला पहले तू समझा? अबे अरबी पेश कर जल्दी। बैठने वाली समझा में टांगों पर बैठते हैं इसकी अरबी पेश कर। क्यों 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 क्या कौवे? नमाज शुरू नहीं करनी आपको? ए कौवे खत्म खत्म। नमाज शुरू नहीं खत्म। चलो महितपुर वाले कटा दिया बे कौवे ने। काको कियो कयास माल तारीख हमारे नजदीक मौजूद है। और अपनी जिद को छुपाने के लिए भैया हंसे। मेरे एक सवाल से तेरी पूरी 1400 सवाल का जवाब मैं तू ये कहाँ लिखा हुआ कुरान की आयत पर? खुद में सरताउन टांग नमाज शुरू नहीं करनी। नदीम भैया को नमाज शुरू नहीं करनी। तेरे जितने लोग आए नमाज शुरू नहीं करनी है। जल्दी नमाज शुरू नहीं करनी है। घाघर है बेटा अरबी पे आया। अरे यहूदी अरे क्या लोगों को धोखा दे रहा है? ये है अल अक़रब फल अक़रब। उसूल ये है बेउसूल ये है कि पहले पहले जो चीज है वो उसके बाद में फल अहम अल अहम फल अहम। पहले जो अहम है उसके बाद का बेउसूल आदमी उसूल दिखाएगा हमें। तुझे उसूल मालूम है?
अरे तेरे से ज्यादा तेरे को तो सिखाता हूं मैं, हर मैं तेरे को एक उसूल सिखाता हूँ, तुम ऐसे ही सीखता है क्या क्या उसूल सिखा, क्या सिखा रहा बता, तेरे को आता ही नहीं। अब देख मैंने आज तेरे को सिखाया क्या 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 सिखा रहा, अबू हनीफा नाम से अबू हनीफा किसी जगह मौजूद नहीं है, तू तो हमेशा धूप के चाटने वाला है, दिखा दो दिखा दो चाटने वाला, दिखा दो दिखा दो, मौत है दिखा दो दिखा दो, तुझे अरबी इबारत नहीं आती, अरबी इबारत किस साथ दिखाएंगे, हाँ दिखा दे जो अबू हनीफा एक लाख, एक लाख इनाम अभी शेबा में जो 11वें नंबर वॉल्यूम में बाप था तुमने, हाँ, उठा के जब उसको छापे तो उसको 26 में डाल दिए, नहीं है रद्दे अबू हनीफा नहीं है, रद्दे अबू हनीफा नहीं है, शेबा में रद्दे अबू हनीफा नहीं है, धोखा दिए कि 11 नंबर वॉल्यूम से उठा के उसको 25-26 में डाले ताकि डाल दे, लेकिन वो नहीं है, वो रद्दे अबू हनीफा नहीं है, तुमने किताबों में रद्दो बदल क्यों की, खबीर रद्दे अबू हनीफा नहीं है, हाँ रद्दे तेरा अब्बा है, रद्दे अबू हनीफा नहीं है, नहीं है। अच्छा सुन, अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं बोलूं और गलत बोलू खोलू और कहूँ कौवे, मुझे तो बोलने दे ना, मुझे बात करने के लिए तेरे को 14 साल मदरसा पढ़ना पड़ेगा, फिर भी तू ऐसे बोलू खाएगा, अच्छा समझा, अच्छा मैं बोलूं क्या बोलूं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तीन किताबें हैं, मैं पैदा आया था, यहाँ तक के इमाम अबू दुरार रज़ी अल्लाह ने कहते हैं समी अमीनु अभी सुम्मा तरका हदीसहु, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मतलूबुल हदीस करार दिया है, इलल के सबसे बड़े इमाम है तो बोल, इलल के सबसे बड़े इमाम इमाम अबू हासिम और इमाम अबू दुरार, तो बोल तेरे देवबंद में इमाम तारिक कुतनी रहमतुल्लाह को तो वो बोल कर बताए कि इमाम बुखारी मुतरुकुल हदीस है, बोल के बता चल, मतरुकुल हदीस बोल रहा हूँ, पहले कान में तांडे का तेल डाल, तेरे देवबंद कान में तांडे का तेल डाल, तूने जो डाला कान में तांडे तांडे का तेल डाल, जरूरत तुझे है ना, जरूरत तुझे है, जरूरत तुझे है, जरूरत तुझे है, ज्यादा कान में जरूरत तुझे है, मुझे जरूरत नहीं है, तेरे देवबंद में चैलेंज हो तो ये मुझे जरूरत नहीं है, मैंने तो मैंने अरबी इबारत पढ़ी, किताब अलल का हवाला दिया, वो तभी भेजिए औकात नहीं, तो शैतान के लिए अभी भेज डालता है, बोल तो तभी भेज दो, तू अगर ये मतलब लेकर देवबंद जाएगा तो वो जूते तुम्हारे मंगाएंगे, अरे सुन इबारत तो सुन ले, ये इमाम बुखारी के ताल्लुक से ये फतवा लेकर अभी इमाम बुखारी के ताल्लुक से अगर जाएगा देवबंद वाले तेरे को जूते से मारेंगे, इमाम दारे कुतनी ने मुस्तकिल किताब लिखी है, देवबंद वाले रद के ऊपर मुस्तकिल किताब लिखी है, रद के ऊपर डर गया, देवबंद वाले रद के ऊपर किताब लिखी है, रद के ऊपर मुस्तकिल किताब, मुस्तकिल डर गया, कौन कौन डर रहा, मैं तो इबारत कर रहा हूँ, जो बात तू बोल रहा है उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि इमाम बुखारी ने कहा कि कुरान मखलूक है, देवबंद से फतवा ले ले क्यों, हाँ तो तेरी बात की, चल तू अपनी बात पर अहले हदीस से फतवा लेकर के आ, कौन सी, अरे वो तो इमाम किससे लेना फतवा, बोल किससे, किससे अपने बाप से लेकर के, क्या फतवा चाहिए तुझे, बोल तुझे इमाम अबू हनीफा मतलब फतवा लेके देता हूँ कि ये बात मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, है नहीं है, है मैं दे दूंगा, चल नहीं चैलेंज कबूल किया, हाँ, अब बाप की औलाद अबू हनीफा, रद्दे अबू हनीफा, इमाम हनीफा अगर रद्द में पूरा चैप्टर है, बाब है, नहीं जो तूने लफ्ज कहा है, अरे लफ्जों से क्रिकेट मैच मत खेल, हाँ तुझे अरबी इबारत नहीं आती, तू मान ले अरबी इबारत तुझे नहीं आती है, तू लफ्जों से क्रिकेट मैच मत खेल, मैंने तेरा चैलेंज कबूल कर लिया, तू एक बाप की औलाद है, तू देवबंद से फतवा लेके बता, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुझे डाउट है, तुझे शक है, तू कोई परेशानी की बात है, मुझे मालूम है अल वलदुल फिराश तुम वलिल आहिर हजर, इयाकुम समझ गया, व इयाकुम, व इयाकुम नहीं, व इया जरूरत तुझे भैया, और क्या अरबी इबारत पढ़ा था, और पढ़, हाँ हो गई ना अरबी इबारत पढ़, तबियत हो गई ना, पढ़ा इबारत पढ़ना, इबारत पढ़ना अभी, चल और अभी काफी आदमी चली तो लाइफ थी।